Hello students, so today our topic of discussion is percentage. So firstly we will look at the first question. The first question is 15% of rupees 500. 15% means 15 percent aa gaya yahan pe, here we can write divided by 100 of 500, right? So yahan par kya aa jayega, we can cut 0 by 0. By 5 into 5 is 75. So let's now look at the answer. See, 75 rupees is the answer, right? Now next question, 5 is what percent of 20? Now इस question में हमें percentage की बात नहीं है, ठीक है? तो हम क्या let कर लेंगे? X percent या something, ठीक है? X percent of 20 is equal to 5. ये हमारी स्टेटमेंट है, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं? That means x into 20 अगर हम करेंगे, ओके, परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आएगा हमारा 5. तो हमने ढूंढना है कि x क्या चीज है, मतलब x कितने परसेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं, 0 से 0 कट कर दीजिए, ओके. सो हमारा x क्या बन जाएगा, ये 10 भी वहां मूव हो जाएगा, 10 वहां मूव कर गया तो क्या बन गया हमारा 50, ओके. 50 बन गया एंड यहाँ पर 2 भी मूव हो गया तो क्या बन गया, डिवाइडेड बाय 2. सो द आंसर इज 25. लेट्स नाउ लुक एट द सॉल्यूशन. See, the solution is 25%. बिल्कुल वैसे ही वैसे किया जैसे हमने किया था. X percent of 20 is 5. ठीक है, हमने बस ये याद रखना है कि ये चीज कैसे होती है. Fine. Now, 12% of 1200. 12% of 1200 का क्या मतलब होगा? 12 multiplied by 1200. परसेंट का क्या मतलब होता है? डिवाइडेड बाय 100. फाइन, तो यहां से क्या होगा, 100 बाय 0, 0 से हम 0, 0 काट सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, एंड 12 इनटू 12 इज 144. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 144. नाउ लेट्स लुक टू द सॉल्यूशन. सी द सॉल्यूशन इज 144. फाइन, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. Now in this question, what percent of 120 is 90? What percent means हमने x भी percent ले लेना, ठीक है? X percent of 120, जैसे हमने previous question किया था, हमने वहाँ पर क्या था? What percent of something value दी थी आपको, उन्होंने कहा था is 5, तो ये वैसे ही यहाँ पर 90 value दी है, fine? तो हमने सेम वे से यहाँ पर भी कर दिया. तो x मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 90. तो जब हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, x की वैल्यू हमारी कैसे निकल जाएगी, x इज इक्वल टू ये 10 भी उधर चल जाएगा, ये 12 भी उधर चल जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 900 डिवाइडेड बाय 12. तो आंसर विल बी 75. तो 75% हमारा आंसर आ गया, सो डी इज द आंसर. नाउ लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन. सी आंसर इज डी, दैट इज 75. फाइन, आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. What percent of rupees 280 is rupees 21? Same way से ये भी question करेंगे हम, okay? X percent ले लेना, X percent जो है हमारा 280 का, it is multiplied, okay? हम थोड़ा सा इसको X different way भी लिखते हैं, कि ताकि confusion ना हो X and multiply के साथ में, ठीक है? X multiply by 280 एंड बिकॉज परसेंट है तो डिवाइडेड बाय 100,
इट इज इक्वल टू 21। सबसे पहले फर्स्टली हमने क्या करना है, हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उस चीज को हम उतना सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम जीरो से जीरो काट देते हैं, फाइन। अब x की क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, x इज इक्वल टू 10 को उधर ले जाएंगे, 2 1 0, राइट, डिवाइडेड बाय 28। ऑब्वियसली ये डायरेक्टली तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा थोड़ी फ्रैक्शंस में। एंड इस चीज को आई होप सबको सॉल्व करना आता है, लाइक अगर इस चीज को हमें लिखना है, ये 1/27 को हम कैसे करेंगे, इसमें होता है 7 × 2, और इसमें न्यूमिनेटर जो ये दिया हुआ है इसको हम प्लस कर देते हैं, फाइन। मतलब 7/2 इज 14, 14 + 1 = 15, 15/2, फाइन। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपने सारे इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना है कि आपका आंसर कैसे आ रहा है, या फिर आप सिंपल इस चीज को डिवाइड करके आप इस फॉर्म में बना सकते हैं, नो इश्यूज। ठीक है, लाइक 210 को हम डिवाइड करें अगर 28 से, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स डू वन थिंग, हम इसको भी डिवाइड नहीं करते, फाइन, हम इस चीज को और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं थोड़ा। ठीक है, लाइक इसको हम अगर कट करेंगे, ओके, 105, 2 के टेबल में कॉमन आ रहा है ना, 105 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं कि 105 अगर हम डिवाइड कर रहे हैं हमारे वैसे डिवीजन मेथड से, ठीक है, 105 को हम डिवाइड करेंगे 14 से, अब 14 के टेबल में 105 तो आता नहीं है, ठीक है, तो 14 के टेबल में हमारे पास क्या आएगा, 14 7s is 98, ओके, 7s is 98, तो हमारे पास क्या बचा, 98 और 105 को अगर हम माइनस करें, यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास 7। तो हम इस चीज को लिखते कैसे है, अभी ये और सिंप्लीफाई हो सकता था आई गेस, बिकॉज इसका आंसर सी, क्योंकि यहाँ पर भी 14 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, ठीक है, तो इससे हमें साफ पता लग रहा है भी और ये सिंप्लीफाई हम कर सकते थे, राइट। तो हम सिंप्लीफाई करके सीधा इसको देख लेते हैं कि हमारी कौन सी चीज इसकी चीज के इक्वल बन रही है। लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन नाउ, ओके, मूविंग टू द सॉल्यूशन, देखिए यही चीज की थी हमने, राइट, 21/280 × 100, ये क्या था ना, व्हाट परसेंट ऑफ 280 is 21, तो हमने x लेट किया था, राइट, तो x परसेंट ऑफ 280 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या है 100, x परसेंट ऑफ 280 इज 21। तो इन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली क्या चीज की है, इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर x यहाँ पर रहने दिया हमारा, एंड बाकी सारी चीजें हम वहां पर मूव कर गए, तो क्या बन गया 21, ये 100 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ आ गया, एंड जो 280 है हमारा यहाँ पे, ये हमारा कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में, फाइन, तो ये डिनोमिनेटर में चल गया, एंड इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर विल बी 2100 डिवाइडेड बाय 280, या हम डायरेक्टली कह सकते हैं 15/2, एंड 15/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे इस वे से, 15/2, तो 2 7s are 14, फाइन, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 1, और हम इसको लिखते कैसे है, रिमाइंडर, आई होप सबको याद है ये चीज, हमने पढ़ी हुई है, आई होप आप सबने भी पढ़ी होगी, कैसे लिखेंगे इसको, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये जो ये चीज आती है हमारी डिविडेंड, एंड यहाँ पर आता है क्वेश्चन, तो क्यू आर डी के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया दिस, फाइन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹120,
एंड आफ्टर इंक्रीमेंट इट बिकम्स रुपीज 150। ठीक है, मतलब कोई आर्टिकल है, कोई भी हमारे पास सपोज कुछ चीज है जो हमने बाय की है, ठीक है, उसका प्राइस क्या है 150, और जब हमने उसको बढ़ा दिया, ठीक है, सपोज x परसेंट से उसको बढ़ाया गया तो उसका प्राइस कितना हो गया 150, यानी कि इंक्रीमेंट कितनी हुई है 150 माइनस 120, 30 रुपीज। ठीक है, तो हमने वो परसेंटेज ढूंढनी है कि कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हुई है, ठीक है, x परसेंट हमारी जैसे इंक्रीमेंट हुई है। सी ओरिजिनल प्राइस क्या है यहाँ पे 120, ठीक है, प्राइस आफ्टर इंक्रीमेंट क्या है 150, इंक्रीमेंट है क्या, मतलब कितना हुआ है, जैसे मैंने कहा 30 रुपीज, फाइन, तो इंक्रीज परसेंटेज हम कैसे ढूंढेंगे कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 30 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना था, यहाँ क्या था 120 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमने परसेंटेज अभी निकालनी है, जब हमारे पास ऑलरेडी कोई चीज परसेंटेज में गिवन होती है तो हम उसको क्या करते हैं डिवाइडेड बाय 100, जब हमने किसी चीज को परसेंटेज में बनाना है हम उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर हमारा क्या आ गया 25%, सो द आंसर इज सी। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल टू ऑल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ अ शुगर इज रुपीज 15 पर केजी, ड्यू टू एक्सेस ऑफ शुगर गेट रिड्यूस एंड इट बिकम्स 12 रुपीज पर केजी। ठीक है, फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज, जैसे ऊपर हमने इंक्रीज परसेंटेज फाइंड की थी, अब क्या करना है डिक्रीज परसेंटेज, सबसे पहले वही चीज शो करनी है हमने कि डिक्रीज कितना हुआ, पहले 15 था, नाउ इट इज 12, तो डिक्रीज कितना हुआ 3/3 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल चीज कितनी थी, ओरिजिनल कितना था 15, फाइन, एंड मल्टीप्लाई इसको हमने कर देना है 100 से, 3 5 15 एंड 5 20 is 100, तो इट इज 20%, हमारी डिक्रीज कितनी परसेंटेज से हुई है 20% से, लुक एट द आंसर 20%, राइट, जैसे हमने किया बिल्कुल वैसे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट is the percentage form of 0.4 को हम percentage में कैसे लिखेंगे, मैंने क्या कहा था किसी चीज को अगर हमने percentage में बनाना है हम उसको क्या करते हैं multiplied by 100, तो 0.4 है, इसको अगर हम multiply by 100 करेंगे, okay, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.4 कैसे लिखेंगे, denote कैसे करते हैं 4/10, right, और इसको अगर हम 100 से multiply कर रहे हैं We cut 0/0, तो क्या बना यहाँ पे 40%, looking the solution 40% is the right answer. Now what is the fraction form of 122/2, ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया कैसे ये यूज करते हैं 22 into 2, हमने क्वेश्चन और डिविडेंड अपने को मल्टीप्लाई करना है एंड उसको रिमाइंडर से प्लस कर देना है, क्यू इंटू डी क्वेश्चन इंटू डिविडेंड प्लस रिमाइंडर, फाइन, तो 22/2 कितना, 22 into 2 कितना हो गया हमारा 22 into 2 is 44, 44 + 1 = 45, ठीक है, और नीचे हमारा क्या आता है, नीचे हमारा डिविडेंड ही आता है, तो 45/2, यहाँ पर डिविडेंड क्या है 2, तो यहाँ पर भी 2 ही आएगा, तो 45/2 इज द फ्रैक्शन फॉर्म, तो डी इज द आंसर। I hope it is understandable. Here D is the answer. यहाँ पर कुछ थोड़ी गलती की गई है, I guess. So D ही हमारा आंसर आएगा 45/2 directly. 45/2. ये चीज नहीं करनी है. It is not required. Directly 45/2. यहाँ पर आंसर आ गया, फाइन। नाउ कन्वर्ट 5/3 इनटू परसेंटेज, हम 5/3 को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, मैंने क्या बताया था किसी भी चीज को अगर हमने परसेंटेज में लिखना है क्या करेंगे हम उसको मल्टीप्लाइड बाय 100, सो सी 5/3 × 100 इसको क्या बना दिया 500/3, तो 500 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 166.66 समथिंग 6666, तो आंसर हम राउंड ऑफ करके क्या लिख देते हैं 166.67, इट इज बी, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 2/7% इनटू फ्रैक्शन,
अब यहाँ पर ऑलरेडी परसेंट में दिया है, जब कोई चीज परसेंट में होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अगर परसेंट में हमें बनाना है, अगर परसेंट तक पहुंचना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। एंड अगर हमने परसेंट से वापस ओरिजिनल पे पहुंचना है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, फाइन। तो अब 2/7% को हम कैसे बनाएं, सिंपल, हमने क्या करना है, 2/7 को डिवाइड कर देना है 100 से, 2/7 100 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 700 हो जाएगा, तो 2/700, तो इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, 2 1s are 2 3s are 6, 2 5s are 10, तो डी इज द आंसर, 1/350, फाइन। जस्ट इतने कॉन्सेप्ट याद रखने, सी सॉल्यूशन में भी यही है हमें, बस इतने कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। मेन कॉन्सेप्ट है जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, हमने उसको परसेंटेज बनाना है, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर कोई चीज ऑलरेडी ही परसेंटेज में दी है, लाइक दिस, ये परसेंटेज में है, तो इसमें क्या करना है, डिवाइडेड बाय 100। फर्स्ट वी शुड रीड द क्वेश्चन डायरेक्टली, ये नहीं कि भाई हमने 100 से डिवाइड करने लग जाना है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/7/2% ऑफ 18। ये सिंपली हमने क्या करना है, इसमें 7/2 × 80 एंड परसेंटेज है क्योंकि, तो हमने क्या कर देना है, डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 वी कैन कट, यहाँ पर ये 7 लिखा है, ठीक है, 2 4s are 8, यहाँ पर 4 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 7 4s are 28, ठीक है, एंड यहाँ क्या आ जाएगा, 28/10, तो इसको भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट, कैसे करेंगे, 14 and 2 5s, यानी कि 14/5, सी इज द आंसर, ओके। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। यहाँ हमने कुछ नहीं किया, हमने 7/2% of 80 निकाल दिया, कैसे निकाले है? बस हमने डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, एंड ऑफ यानी कि हमने मल्टीप्लाई करना है, ओके। सी यहाँ आप देख सकते हैं 7/2% of 80 इज 7/2, 7/2 यहाँ आ गया, × 80 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ क्या आ गया, 14/5, वही जो हमने मार्क किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 125% of 64, 125%, ठीक है, 64 का 125% हमने निकालना है, 125 ऑफ यानी कि 64 मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट यानी कि डिवाइडेड बाय 100, सिंपली हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अब डिवाइड कर दिया, तो 125 डिवाइडेड बाय 100 तो डायरेक्टली हमारे पास डिवाइड होते नहीं है, तो हम सीधा क्या करेंगे, 125 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, 125 डिवाइडेड बाय 5 इज 25, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20, एंड 5 4s are 20, 5 5s are 25, ये जस्ट हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसको, ठीक है। यू हैव टू यूज योर ओन मैथ्स, प्रैक्टिस करिए तो आपको इजी लगेगा, एंड 4 और 64 को भी हमने डिवाइड करना है, हम तो 4 के टेबल में 64 कब आता है, इन 16, ठीक है, तो हमारा आंसर इज 16 × 5, 16 × 5 क्या हुआ, 80, 16 × 5 कैसे, यहाँ पर है 5 मल्टीप्लाई, ठीक है, × 16, तो 5 × 16 is 80, यू कैन सी इन द सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन नीटली लिखे है, तो आई होप आपको उस चीज से समझ आ जाएगा, सी 125 × 64/100 is 80, फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 36 is what % of 144, वॉट परसेंट यानी कि हमने परसेंटेज लेट कर लेनी है, एक्स परसेंट है हमारा, एक्स परसेंट ऑफ 144, ठीक है, एक्स परसेंट ऑफ 144 is 36, ये हमारी क्या बन गई, स्टेटमेंट, जो हमारी मेन स्टेटमेंट है जिसको हमने सॉल्व करना, कैसे करेंगे, जैसे हमने प्रीवियसली भी क्वेश्चंस किए हैं,
x परसेंट ऑफ 144 को कैसे लिख सकते हैं, x इंटू 144 डिवाइडेड बाय 100, राइट, इज इक्वल टू 36। तो बस अब क्या करना है, हमने हमने क्या किया, x की हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल दी, x इज 3600 डिवाइडेड बाय 144। या तो आप इसको अब सिंप्लीफाई कीजिए सीधा, ठीक है, मेरे को इसका सीधा आंसर पता है, मैं इसका सीधा आंसर लिख सकती हूँ कि आंसर यहाँ पर 3600 डिवाइडेड बाय 144 विल बी 25। ओके, ए विल बी द आंसर। हम कैसे कर सकते हैं इसको, आप सीधा 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको 12 का टेबल आता है, ठीक है, तो 12 में आपको पता होगा 144 कब आता है, 12 सा, ठीक है, एंड 36 कब आता है, 3 एंड 0, ठीक है, तो 300 डिवाइडेड बाय 12। तो मतलब आप जितना सिंप्लीफाई करना चाहे इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, बस हमने आंसर निकालना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, तो हमारा आंसर आ गया। Now moving next. Okay, you can see here 36 by 144 into 100. जो हमने ऊपर किया, that is the same thing. Now this is our last question of today's lesson. Rest we will continue later. So what percent of 80 is 16? ठीक है? What percent of 80 is 16? कि कितने percent है हमारे पास? वही same चीज करेंगे. X percent of 80. ठीक है, इज 16। तो बस हमने क्या करते ना, वही सेम चीज, x मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 16। तो x विल बी, x हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या कर देगी, 16 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि ये 8 कहाँ चल जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में, एंड ये 100 कहाँ चल जाएगा, न्यूमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर हम सिंपली ऐसे करें, 8 टू सा 16 होता है, ठीक है, 8 टू सा 16, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, 2 इंटू 100, लेट्स सी हम ठीक कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पर 200% आएगा आंसर। यहाँ पर ये थोड़ी गलती की है, 200% इज द आंसर, ठीक है, बी आएगा 16 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर इज सॉरी, यहाँ आंसर क्या है, 200%, ठीक है। ओ सॉरी, 200, मैंने एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया, आई गेस 20%, ठीक है। हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्यों आया, हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, हमने क्या गलती कर दी, यहाँ 80% था, ठीक है, हमने यहाँ पर सिर्फ 8 लिख दिया, यहाँ पर एक जीरो भी है, यहाँ पर जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फाइन, आई एम सो सॉरी। एक बार हम इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, इफ इट इज नॉट क्लियर देन वी विल क्लोज आवर लेसन। सो सी, यहाँ क्या था, व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 16, x परसेंट ऑफ 80 इज 16, फाइन, तो x मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 16। तो हम जब x निकालेंगे, आईज ऑन द कर्सर, तो हम जब x निकालेंगे, x कैसे निकलेगा, 1600 डिवाइडेड बाय 80, 1600 कैसे आया, हम 100 कहाँ लेंगे, यहाँ 16 के पास, फाइन, तो यहाँ पर 0 से सबसे पहले हमने क्या किया, 0 कट कर दिया, 8 टू जा 16, यहाँ पर 0, तो 160 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो गया, 20, तो हमारा आंसर इज 20%। यू कैन सी हियर आल्सो द आंसर इज 20%, फाइन।
Now, thank you so much, students. Now, we will continue our lecture in the next class. Thank you.